तक कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ है। आप धरना पे बैठोगे, धरना पे आप लोग सब आज अपना समर्थन आप लोग और हमारे लिए कोई भी जो बात हो, और हमने तो पहले ही कहा था यहाँ के लोगों को देखना चाहिए कौन काम करने वाला है, कौन सी पार्टी काम करने वाली है। ये तो जुमलों की सरकार है और आप लोग डंडे भी खाए, लाइन में भी लगे, नोटबंदी करी, लाइन में देखा खड़ा हुआ, आप बताओ कोई देखा हो तो। गरीब आदमी लाइन में लगा रहा और क्या, ये लोग जो हैं किसी के नहीं है, इनसे हमेशा बच के रहना। ये निक्कर वाले जो हैं पहनते देखा है क्या है, ये तो निक्करधारी हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। और अभी एक साल बचा बस, अब क्या समय नहीं है, 2018 में चुनाव। यहाँ पर जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जो हमारे कर्मचारी हैं, ये पिछले करीबन एक महीने से ये आंदोलन कर रहे हैं और इनकी जो उस समय तनख्वाह थी, तनख्वाह उतनी ना इनको डीए मिलता है, ना इनको जो कोई भत्ता मिलता है, और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं इस वक्त जो हैं ख़राब हो चुकी हैं और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका स्वास्थ्य मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि जब उनको अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में उनको फिक्र नहीं है, वो डाल देते हैं केंद्र पे और केंद्र डाल देता है इनके ऊपर। तो मुख्यमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और जो इनकी उचित मांगे हैं वो मान लें। अगर इनकी 10 मांगे हैं, 10 में से 4 मान लें, बाकी बाद में मान लें। क्या वो कह रहे टर्मिनेट कर दिए गए कुछ तो अलग, स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। आपने कभी उनकी दाढ़ी देखी है, ठीक ठाक कभी बढ़ी है कभी, तो उनको ये समझ नहीं है अभी। वो जो है आपको पता है उसके आगे पीछे कुछ है नहीं, उसको पता नहीं बाल बच्चे कैसे पालते हैं। तो मेरा कहना मकसद ये, उसको समझना चाहिए कि जो हमारे कर्मचारी हैं इनके साथ हम खड़े हैं, पूर्ण रूप से इनका पूरा हम समर्थन करेंगे। और जहाँ ये, और अभी 1.25 साल की बात रहेगी, मैंने कहा परवाह मत करो, जब कांग्रेस का राज आएगा सारी बात ठीक कर देंगे हम। ठीक है, ठीक है। हमारा आज हड़ताल का 10वां दिन है, कर्मचारी बहुत जोर शोर के साथ सुबह 9 से 3 बजे तक यहाँ धरना स्थल पर धरने पर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से प्रभावित है, अर्बन PHCs पे ताड़ा लग चुका है। और अभी हमें जो सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री महोदय 12 बजे अधिकारियों की मीटिंग लेंगे, उसके बाद हमारी यूनियन के साथ भी उनकी बैठक है। अगर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो हमारी स्टेट कमेटी जो फैसला लेगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है।